पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे 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 जी। ये वो नहर है, बड़ी BRBD नहर है जो लाहौर में है, सबसे बड़ी नहर है ये वो नहर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर की तरफ। लाहौर से जल्लो मोड़ से आगे आ गए हैं, तो ये रास्ता जा रहा है सीधा वाघा बॉर्डर। वो सामने देखें पाकिस्तानी परचम नज़र आ रहा है और साथ में जो है इंडिया का। यहाँ पे मेरा हर वीडियो शायद ना बनाने दें, अभी हम कैमरा अपने को बंद करेंगे तो आगे जाके आपको सीन दिखाते हैं। ये हम वाघा बॉर्डर पहुँच चुके हैं, बस वो सामने देखें आपको पाकिस्तानी परचम नज़र आ रहा है। जी फ्रेंड, वाघा बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं, ये सामने ही बॉर्डर है। काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे चेकिंग करते करते, 20 मिनट 30 मिनट लग जाते हैं। वाघा बॉर्डर पे जो भी कोई आए तो अपना आईडी कार्ड साथ लेके आए। यहाँ पे आईडी कार्ड की चेकिंग हर हाल में होती है, उसके बगैर नहीं जाने देते आगे। तो अभी हम बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। आए अभी आगे का माहौल आपको एंजॉय करवाते हैं कि वाघा बॉर्डर पे क्या कुछ होता है। तो ये इधर साथ ही इंडिया की बाड़ लगी हुई है, यहाँ से नज़र आती है जो उन्होंने अपनी बाड़ लगाई हुई है वो साफ नज़र आती है। इंडिया के लोग भी काम करते नज़र आते हैं। चलिए अभी आपको पाकिस्तानी परचम दिखाते हैं, थोड़ा आगे की मूवमेंट जो भी आगे परेड होगी या जो भी वो आपको दिखाते हैं। आपने जाना नहीं है कहीं भी, हमारे साथ रहना है। तो ये मेरे टीम के मेंबर हैं, ये 3-4 जो मेरे साथ आए हैं वाघा बॉर्डर पे, तो आपको एंजॉय कराते हैं वहाँ का माहौल। जी ये हम वाघा बॉर्डर पर हैं, ये देखें पाकिस्तानी परचम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे आकर बहुत खुशी भी हो रही है कि हम वाघा बॉर्डर पे आए हैं, और जब हम अपना पाकिस्तानी परचम देखते हैं तो और भी दिल को सुकून मिल जाता है। तो ये देखें, ये साथ ही पाकिस्तान का परचम है। ये जा रही है गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ यहाँ पे बैटरी वाली चलने के लिए के लोगों को बॉर्डर तक ड्रॉप करने के लिए लगे हैं। काफ़ी दूर से आए हैं, सांस फूली हुई है। तो ये देखें जी सामने पाकिस्तानी झंडा है, दूसरी साइड पे आपको वो जो है सामने इंडिया के लोग बैठे नज़र आ रहे हैं और इंडिया का जो है झंडा भी आपको नज़र आ रहा है। तो बाकी हम आगे जाके आपको वीडियो दिखाते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं जल्दी से आगे की तरफ। ये दोस्तों एक और चेकिंग आ गई है यहाँ पे, फिर लाइन पे लगना पड़ेगा आपको नज़दीक आकर। यहाँ से ये ट्रेन जाती है, छोटी मिनी ट्रेन। ये अभी इधर चेकिंग की लाइन लगी हुई है अभी। ठंडा पानी बोतल जूस टीम पैक कम से कम घंटा पुलिस। ये लास्ट चेकिंग है, यहाँ से फिर सीधा बॉर्डर के अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ से उस तरफ जो है लेडीज़ की लाइन है और इधर जो गेट है ये। ले जी वाघा बॉर्डर के बिल्कुल पास आ गए हैं। ये सामने अभी आपको परेड का मंजर दिखाएंगे, वहाँ चल के बस परेड शुरू होने वाली है। जी ये वाघा बॉर्डर के अंदर आ चुके हैं। ये सामने वाघा बॉर्डर है। ये अब हम जा रहे हैं बैठने के लिए, आगे देखते हैं। ये सब उधर से चेकिंग हो के लोग अंदर आ रहे हैं। जीवे 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 जीवे। आपसे गुजारिश है जैसे ही कोविड बच्चन में उतारा जाए आप इसके एहतराम में खामोश और बादब कर हो जाए। अभी हम 3 मरतबा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाएंगे। जगह पर खड़े रहें और बाबाजी हजरात परचम को सल्यूट करें। शुक्रिया। आप अपनी अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखें। शुक्रिया। परेड की कार्रवाई इख्तिताम पजीर हो चुकी है। आपसे गुजारिश है नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए स्टेडियम से बाहर तशरीफ ले जाएं। बच्चों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात मुतवज्जो हों। लिस्ट नंबर 2 एंट्री नंबर 40 अगर मुझे सुने तो प्लीज़ बाबा आज़ादी के नीचे तशरीफ ले आए। लिस्ट नंबर 2 एंट्री नंबर 40 अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज बाबा आजादी के नीचे तशरीफ ले आए। शुक्रिया। परेड खत्म हो चुकी है, अभी चलते हैं वापस की तरफ। परेड खत्म हो गई है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बंदा ये 46 मिनट मोबाइल ले रहा अरे परेड खत्म हो गई है। लाहौर मोबाइल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आवाम जा रही है, देखिए आपके सामने साधे पुराना होते ही चला लगा तो मुलाजिम नहीं अरे झंडे वाले कपड़े पहना भी ये वो झंडे वाले भाई जो नारे लगवा रहे थे, माशाल्लाह इन्होंने बड़ा जोश दिलवाया आवाम को। अब हम वापस जा रही है। ये देखिए ये भी एक और आदमी पाकिस्तानी आ रहे हैं जो नारे लगवा रहे थे। ये पाकिस्तान इधर आओ, नवीद सलान इधर आओ। जी मेरी टीम वापस जा रही है अब लाहौर की तरफ। परेड देख के कैसा महसूस हुआ भाईजान? महसूस क्या होता है, थोड़ा सा बंदे के अंदर ना जोश व जज्बा जाग जाता है। हिब्बुल वतनी का जो जज्बा होता है ना वो इंसान फुल उससे सरशार हो जाता है। उधर जाके बहुत मज़ा आया। इंडिया चला हाँ भाई आप बताओ नुमान भाई आपको कैसा लगा? हाँ सलान भाई आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, जोश आया, बहुत जोश आया। ये सब अभी वापस जा रहे हैं। अभी आपको और भी कुछ दिखाते हैं। चलो आप जी वो पीछे जो इंडिया की बाढ़ लगी हुई है वो ब्लैक कलर की, ये वाघा बॉर्डर से आपको नज़र आ रही है। चलते हैं अभी जी मेन गेट, वाघा बॉर्डर के मेन गेट से बाहर आ गए हैं। अभी आप सीधा वापस जा रहे हैं। ये मेन गेट से बाहर आ चुके हैं। आप जाते हैं रेलगाड़ी जी इधर आवाम की सहूलत के लिए लगाई हुई है। देखें आवाम कैसे आवाम बैठ रही है। भागो भागो भागो। नहीं ये पाकिस्तान झंडा है, वो ये पाकिस्तान परचम और ये इंडिया का परचम, वो वाक़ आज़ादी। ये मेन गेट है जहाँ से हम वापस आए हैं और आवाम वापस आ रही है। ये यहाँ से आवाम के लिए ये एक छोटी सी ट्रेन चलाई हुई जो लोगों को लेके जाती है उस तरफ। चलें जी ये इधर जी जी। अब